साथियों आप उर्दू समझते हैं या मादरी जबान में या उर्दू में या मेरी उर्दू बहुत बुरी है मगर आप कोशिश करके समझे वो दो दिन हुए हैं बहुत ही बुरे दो दिन हुए हैं अब आ रही दो दिन हुए हुए दो बहुत ही बुरी खबर आई उमर की जिसको हम बहुत देर से जानते हैं और बहुत बचपन से जानते हैं क्योंकि उमर नथिया गली जाने वाला था और हम भी नथिया गली जाते थे और नथिया गली पहाड़ों में और उस जगह एक बड़ा ही अच्छा माहौल होता था कि सब बच्चे और सब बड़े इकट्ठे मिलके बाहर जाते थे और बातें करते थे और खेलते थे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे हालांकि उस जमाने में बहुत जमाने में ये बांग्लादेश का किस्सा हो रहा था जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फौजी थे वो गलत रास्ता ले रहे थे और उसमें हम बहुत से लोग थे यहाँ वहाँ नथियागिरी में जो छोटी जगह थी मगर एक्टाबाद के नज़दीक थी एक्टाबाद के नज़दीक थी इसलिए हमें बहुत सी खबरें वहाँ से आती थी कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में क्योंकि हमारी अखबारें बिल्कुल गलत खबर देती थी तो ये उमर भी हमारे साथ बैठ जाता था बड़ों के साथ तो ये सुनता रहता था और फिर एक दिन मंजूर कादर है जो हमारे बड़े नज़दीकी दोस्त हैं तो उन्होंने कहा कि बड़ा बुरा हो रहा है बांग्लादेश में तो मैंने कहा जी किस तरफ आप किस तरफ को बुरा कह रहे हैं इसी बहस में तो ये भी सुनता रहा उमर भी सुनता रहा और हमने बाहर जाके सबने कहा कि नहीं जी उमर तुम बात ना करना तुम तो फौज में हो तो वो छोटा सा था तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ मेरी अम्मी जबान है ये उमर का फिर उमर को मैंने देखा जब वो मैच्योर हो गया काफ़ी मैच्योर हो गया बड़ा लायक बड़ा ऑनेस्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी मैंने उमर को बचपन में भी या बड़े होते भी कभी नहीं उसको देखा कि किसी के साथ फजूल बात करे या बड़ा क्वाइट मगर बड़ा समझदार तो प्यार तो हो जाता है बच्चा सा हो तो उमर के साथ हम खेले फिर अब जब उमर ने संगीत बनाई उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ये मुझे नहीं पता रानी को पता होगा कि वॉज इट एन एनजीओ और एनजीओ थी तो उसका मुझे खत आया कि आप प्लीज नथिया गली हैं तो आप प्लीज आके एक्टाबाद हमारे मौलवियों से बात करें तो मैं कुछ हैरान सी रह गई कि मौलवियों से बात करनी है तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ थे दो तीन मौलवी थे और बाकी औरतें थी प्रॉब्लम ये था कहते थे जी औरतों को पढ़ने नहीं देते और आप आए और आके बोले और उनको कहें कि कुरान में मना नहीं है औरतों को पढ़ाई कराना तो मैंने तीन चार लड़की थी कहते नहीं जी हमारे माँ बाप तो नहीं हमें आने देते तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप कहते क्या है तुम क्या कहते तुम गाँव में कहते जी हमारे माँ बाप कहते हैं कि आप लव लेटर लिखेंगे तो उन्होंने कहा एक लड़की वहाँ खड़ी हुई कहती जी मैं तो पढ़ी नहीं हुई पर मैंने भी लव लेटर लिखे तो वो चुप हो गए मैं हंस पढ़ी तो मैंने कहा लव लेटर लिखो वो कहती है दूसरे हाथ पे लिखे जा सकते हैं बहुत से ये वजह नहीं हुई थी भाई ना पढ़ने की तो उमर ने वहाँ मैं जब एक्टाबाद पहुंची ना हर किस्म के लोगों ने मुझे आके कहा जी आप बहुत अच्छा किया उमर के फंक्शन पे आए क्योंकि उमर ने बड़ा काम किया है उमर का जो एनजीओ का काम था वो मैंने देखा कि वो चल फिर के होता था बहुत जंगलों में गया दरख्त नहीं काटने उस पे बड़ा उसके लोग खिलाफ हुए वहां का माफिया था जिस जो उसके खिलाफ हुआ और उन्होंने कहा आप ये नहीं कर सकते ए, 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 और माफिया के फिर आपको पता है जो माफिया होते हैं वो छोटे लोगों से तो हम नहीं ज्यादा बात करते वो तो बड़े लोगों से बात करते हैं तो फिर उन्होंने बड़े लोगों को पीछे लगाया कि इसको मना करो ये दरख्त काटे ना मना करे ये ना करो मगर ये जाता रहा और इसने किसी हद तक इसने कामयाबी देखी उमर ने और उमर ने कहा कि ये अब लोग मेरे पीछे पड़ गए तो अब तो वो हुआ वहाँ वहाँ बात हुआ मगर उसने जो काम किया ना वो सबको नजर आया आप बाजार में चले जाए तो कहें जी उमर असर खान ने कहा आए हो जी बिया के मेरी बड़ी बहन आए हो रहती है और वो सब कहेंगे उमर बड़ा ही मतलब कि मैंने किसी को उमर के खिलाफ नहीं सुना
हालांकि वो उसकी हो पॉलिटिकली शायद खराब हो या अदरवाइज हो, मगर मैंने उसने सुना, उसने काम किया और दिल लगा के काम किया, और एक उसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया जो पर्सनली समझे, क्योंकि नथियागरी जाने वाले लोग हैं, नथियागरी के लोगों को हमारे लोग यहाँ के मिनिस्ट्रीज और हम जाके सब लिखे थे दखरना काटा करो बीबी, दखरना काटा करो, तुम्हारी बड़ी दखर बड़ी अच्छी चीज है, और उम्र भी जाता था, ये पहले भी जाता था, बाद में भी जाता। तो मैंने जब उनको कहा तो औरतों ने बड़ा, मर्दों ने जवाब नहीं दिया, औरतों ने कहा बीबी आप बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो हमें मना करते हैं, मगर आप ये बताएं कि दरख्त ना काटे तो खाना कैसे खाए, पकाए कैसे, दैट वॉज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन था कि किस कैसे पकाए उनको, आप ये जाके कहते थे कि दरख्त ना काटे बीबी, क्योंकि हमें अभी UNO को ये किसी को खत लिखना है कि हमने लोगों को मना किया है, या एक मीटिंग करनी है कि जिन लोगों को मना किया हमने ये किया है, मगर प्रैक्टिकली आपने कोई काम नहीं किया। अच्छा आई एम सॉरी, मैं और ज्यादा नहीं बोलती, बड़ी ठीक है थी। तो वो ये है कि उसमें इन चीजों में उमर ने बढ़ चढ़ के काम किया, इसलिए उसको सबकी एडमिरेशन थी, एवरीबॉडी एडमायर्ड हिम, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से उसे देखा चलता फिरता आपस में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने यकीन लोगों को दिखाया। और फिर जब वो मिनिस्टर बना तो उसको मैंने हाथ देखा कि आप तो मिनिस्टर को कुछ करो इसके लिए, तो उसने उसी वक्त ऑर्डर दिया कि यहाँ कम से कम 500 वो चले जाए गैस सिलेंडर्स, तो वो वहाँ चले गए, गांव में चले गए, और लोगों ने उन एरियाज में दस्त काटने बात करते। थैंक यू।